हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर रिवीजन की सीरीज में आज कक्षा 10 की गणित का त्रिकोणमिति पार्ट का रिवीजन करने वाले हैं और त्रिकोणमिति पार्ट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो हमको हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करें। तो आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है यदि टैन ए बराबर 3/4। देखो, टैन ए की वैल्यू दिया है 3/4। ठीक है, आगे क्या है, कॉस ए और टैन ए का मान बताओ हमको। देखो, टैन ए की वैल्यू दिया है 3/4, कॉस ए यहाँ पर फिर टैन ए दे दिया, तो हम इसको एक काम करते हैं, इस टैन को हटा करके यहाँ पर टैन बी कर देते हैं, सॉरी बी मत करो, सी कर देते हैं, टैन सी कर देते हैं ताकि कुछ डिफरेंस आ जाए। यहाँ पर ए कोण वाला भी निकालना सीख जाएंगे और सी वाला भी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। देखो, टैन ए की वैल्यू दिया है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये रहा, हम बीच में दे देते हैं कोण बी 90 डिग्री का, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, हमने बना लिया त्रिभुज। अब यहाँ पर एक बात देखना है, हमको टैन की वैल्यू दिया है, टैन थीटा बराबर दिया है टैन ए बराबर 3/4। अच्छा, टैन का क्या होता है, किन किन भुजाओं पे वैल्यू रखते हैं, ये निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला बताया गया है या शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए, लाल बटे कक्का, याद है, ये हमको शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी कि इससे हम आसानी से भुजाएं निकाल लेते हैं। जैसे हमको अभी किसकी निकालना है, टैन की, किसकी निकालना है, टैन की। तो देखो, ये जो पहली वैल्यू होती है एल बटे के, ये साइन के लिए, ए बटे के कॉस का, और ये एल बाई ए टैन के लिए। तो टैन के लिए देखो क्या है, टैन के लिए बना एल अपान ए, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, यानी कि ये जो वैल्यू लिखा है 3/4, तो एल बटे ए यानी कि 3 लंब का मान है और 4 आधार का है, वैल्यू रख दे। तो एल लंब कितना है, 3, इनमें लंब कौन है, ये देखो लंब हो गया 3, फिर नीचे वाला आधार, आधार है 4, हमको मिल गई बुझे। अब देखो, हमको लंब आधार तो पता है, कर्ण नहीं पता है, लंब आधार पता है, कर्ण नहीं पता है, तीस दो भुजाएं पता है, तीसरी नहीं पता है। तो जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा ना पता हो, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, चलो लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, वैल्यू रखो। देखो, कर्ण निकालना है, यहां देखो लंब आधार पता है, कर्ण निकालना है, कर्ण कौन है हमारा, एसी है, इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसको निकालना है, लंब, लंब कितना है, लंब हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर आ गया। तो अब एसी का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का 16 हो गया। अब यहां से देखो, एसी वर्ग बराबर 9 और 16, 9 16 होते हैं 25। अब देखो, इसका स्क्वायर हटाना है, इसका स्क्वायर हटाना है, तो जब भी एक साइड का हमको स्क्वायर हटाना हो, तो दूसरे साइड ऑटोमेटिक रूट लग जाता है, इसका स्क्वायर अगर हटाएंगे तो लग जाएगा इसमें रूट। ठीक है, अच्छा 25 किसका वर्गमूल है, 25 हमारा 5 का वर्गमूल है, तो एसी बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, एसी की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, अब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, तो अब देखो हमको निकालना क्या है, कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, कॉस ए। अच्छा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, किन किन भुजाओं को रखते हैं, पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, ए बटे के, कॉस के लिए रखते हैं हम ए बटे के, तो ए मतलब आधार, आधार कितना है 4 है, तो 4 बटे के मतलब कर्ण, 5, तो 5 कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, 4/5 आ गया। अब हमको टैन सी निकालना है, निकालना है टैन सी। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस अभी तक ए था, तो हम देखो बी और ए
जिस भुजा में बने हैं उसको आधार माना है। अभी देखो सी बताना है तो 90 वाला एंगल ये रहा, और किस एंगल का किसका बता रहा है, सी का। तो 90 वाला और सी जिस लाइन पे बनेंगे वो हमेशा आधार रहेगी, ठीक है। अभी तक देखो आधार ये था क्योंकि हम ए की बात कर रहे थे, 90 के साथ इस रेखा में ए बन रहा था। अब देखो सी के लिए निकालना है तो सी 90 के साथ इस रेखा में बन रहा है, ये हमारा आधार होगा। अगर ये आधार है तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है। टैन की वैल्यू क्या होती है, टैन की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना, जब ये आधार है तो लंब हो गया 4। आधार फिर क्या रखना है, आधार। अब देखो अगर ये लंब है तो आधार हमारा 3 हो जाएगा, 3 लंब बटे आधार हो गया। हमने cos a और tan c की वैल्यू निकाल दिया, यही दोनों तो पूछ रहा था। तो ये तो अभी देखो हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन था, अभी आगे हम लोग और थोड़ा सा कठिन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जिन जिन क्वेश्चन में आप लोग को डाउट भी रहता है वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखें। अच्छा ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, बात कर रहा है कि एक त्रिभुज है। चलो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ये रहा हमारा त्रिभुज, इसमें समकोण कौन है, क्यू, यहाँ पर क्यू है हमारा समकोण है। तो फिर पी आर, हम चलो इसको दे देते हैं नाम पी, इसको आर। देखो क्यू के लिए मेन दिया है कि क्यू हमारा समकोण है तो क्यू को समकोण करेंगे, इसके बाद पी और आर के लिए कुछ नहीं दिया है तो हम कहीं भी नाम दे सकते हैं, यानी यहाँ पी को कभी कर सकते हैं, यहाँ चाहे तो आर कर दे, ठीक है। अब दिया है पी आर यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों भुजाओं का योग 25 सेंटीमीटर है। अगर हम पी आर और क्यू आर को जोड़ रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर आ जाता है। पी क्यू 5 है, पी क्यू कितना है, 5 है, तो फिर ये मान बताना है हमको। अच्छा ठीक, देखो हमको साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन कॉस टेन का मान बताना है। तो अगर हमको तीनों भुजाएं मिल गई तो हम मान निकाल सकते हैं, मान बता सकते हैं आसानी से। लेकिन अभी तो देखो हमको सिर्फ यही भुजा पता है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों तो पता नहीं है क्लियर। तो फिर क्या करें, हम एक काम करते हैं, हमको देखो पता है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा अगर हमको क्यू आर निकालना हो, क्यू आर तो कैसे निकाल सकते हैं, यहां से देखते हैं। हमको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर 25 है, हमको निकालना क्या है क्यू आर को, तो हम पी आर को उधर पक्षांतर कर दें तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, हम क्यू आर को 25 माइनस पी आर कह सकते हैं। यहां पर रख लेते हैं क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, हमको दो भुजाएं मिल गई ना, क्यू आर मिल गई हमको 25 माइनस पी आर। अब क्या बचा, पी आर एक भुजा बची, इसको निकालना है। तो हमने अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में कि अगर दो भुजाएं त्रिभुज की पता है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, तो तीसरी भुजा पाइथागोरस का थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो दो भुजाएं पता है, तीसरी निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा इसकी वैल्यू रखते हैं, कर्ण, कर्ण कौन है हमारा पी आर, इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है, इसी को तो निकालना है, तो इसको रख लेते, इसको रख लेते हैं हम पी आर का स्क्वायर। लंब, लंब देखो ये रहा 5 का, लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। आधार, आधार ये रहा कितना है 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर का वर्ग रख दी गई वैल्यू। अब इनको सॉल्व करते हैं, पी आर का वर्ग करेंगे तो ये तो हमारा पी आर स्क्वायर ही रहेगा, 5 का वर्ग 25 प्लस, अच्छा ये देखो 25 माइनस पी आर,
ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में खुल सकता है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, इसके a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसी फॉर्मूले पे इसको खोल देते हैं, ये हमारा हो गया पहला पद a, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो पहले क्या रखना है, ए स्क्वायर, ए कौन है हमारा, ए 25 को माने हैं, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए हमारा है 25, बी बी हमारा है पी आर, हो गया। अब इनको देखो सॉल्व करो और आगे करते हैं, तो पी आर स्क्वायर बराबर 25, 25 का स्क्वायर 625, पी आर का वर्ग पी आर स्क्वायर माइनस इनका गुणा करो 25 दूनी 50, 50 पी आर, 50 पी आर, हो गया। देखो पी आर, पी आर इस साइड प्लस का, इस साइड प्लस का, अगर बराबर के एक इधर है और एक उधर, दोनों समान चिन्ह के समान है तो वो दोनों कट जाते हैं, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या 25, 625 माइनस 50 पी आर, 625 और 25 हमारा जुड़ के हो जाएगा 650, जुड़ जाएंगे ना प्लस में है, माइनस 50 पी आर। अच्छा इस 50 पी आर को हम दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो 50 पी आर बराबर 650, देखो माइनस में था प्लस में आ गया, ठीक है। अब हमको पी आर का मान निकालना है, तो 50 को उधर पक्षांतर कर दें, तो पी आर बराबर 650 बटे 50, 0 0 कट गया, 11 5 65, तो पी आर कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, पी आर कितने का गया 11 का, हम लोग पी आर निकाल रहे थे, ये तो आ गया 11 सेंटीमीटर। अब हमने क्यू आर को माना था 25 माइनस पी आर, क्यू आर को क्या माना था 25 माइनस पी आर, तो अब पी आर की वैल्यू है 13, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, 25 से 13 घटाओगे तो बचेगा 12, यानी क्यू आर कितने का है, क्यू आर हमारा है 12 सेंटीमीटर का। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई हमको, मिल गई ना, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई हैं। अब अगर तीनों भुजाएं मिल गई हैं तो हम इनके मान निकाल सकते हैं। पहले किसका मान निकालना है, हमको पहले निकालना है साइन पी, फिर कॉस पी और टैन पी का मान, यही निकालना है। तो हमने अभी सूत्र एक तो पढ़ा है लाल बटे कक्का, पहला होता है साइन के लिए, साइन के लिए लंब बटे कर्ण। अच्छा ये हमने फॉर्मूला तो लिख लिया, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि हमको साइन पी पी पी, हमको पी में सबकी वैल्यू निकालना है। तो देखो 90 के वाले पॉइंट के साथ पी कहाँ पे है, यहाँ पर, इसके साथ हमारा बन रहा है पी, इस रेखा पर। तो हमारा जो आधार होगा क्यू आर को मत ले लेना, ये क्यू पी होगा आधार। अगर हम पी को नीचे माने होते तब फिर हमारे नीचे वाला होता, ठीक है। अभी हमारा ये 5 है आधार, तो साइन कितना है लंब बटे कर्ण। अभी अगर देखो ये आधार है तो लंब तो हमारा 12 हो जाएगा, 12 बटे कर्ण, कर्ण 13, साइन आ गया। अब कॉस, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा देखो ये अगर एक कर्ण था, आधार सॉरी ये लंब था, तो आधार तो हमारा ये है 5, तो 5 बटे क्या करना है कर्ण 13। फिर टैन, टैन का है लंब बटे आधार, लंब है 12 बटे आधार, आधार 5 है। आगे तीनों वैल्यू समझ में आया। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अच्छा अगर आप लोग से क्वेश्चन बन रहे ना पहले से तो अच्छी बात है, आप लोग प्रैक्टिस और करते रहो, लेकिन जिससे नहीं बन रहे हैं वो लोग क्वेश्चन को समझो ध्यान से, और जिससे बन रहे हैं वो समझो, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनके लिए
ट्राई करो कि हम लोग यहाँ पे जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मेथड लगा रहे हैं, वहां पर क्या क्वेश्चन में गिवन है, तो वहां पे उस गिवन को पकड़ करके हम लोग कैसे फॉर्मूला फिट कर रहे हैं। ठीक है, जिनसे बन रहा है वो लोग इस बात पे गौर करो कि हम कैसे क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं, उनका गिवन पॉइंट और उसके फॉर्मूला सेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारा 2 tan² 30 / 1 + tan² 30। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आधे लोगों से बन भी जाता होगा, लेकिन ये थोड़ा सा मेथड याद दिलाने के लिए है कर रहे हैं। देखो 2 tan² 30 / 1 + tan² 30। ये क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, ये 2 तो है, अगर हम वैल्यू रखते हैं ये 2 तो हमारा 2 ही रहेगा। अच्छा 2 और 10 के बीच में चिन्ह काहे का है, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो गुणे का होता है जब कोई चिन्ह ना दिखे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की कुछ वैल्यू होती है ना, tan 30 की होती है 1/√3। अच्छा tan में स्क्वायर लगा है तो हम tan की वैल्यू में भी स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर वाली की वैल्यू आ गई बटे नीचे है 1 + tan² 30। यहां फिर देखो tan 30 आ गया, tan 30 की वैल्यू 1/√3 ही रहेगी, स्क्वायर tan स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दे। ठीक है, अब इनको आगे करें, देखो 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/√3 का स्क्वायर मतलब उसका 2 बार गुणा करना है, 1 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आता है, और कोई संख्या रूट के अंदर है और समान संख्या है, तो जब उस समान संख्या है तो उसका अगर रूट उसका गुणा करते हो तो वो संख्या केवल रूट के बाहर निकल के आ जाती है बस। वो संख्या केवल बाहर निकल के आ जाती है। अब इनका देखो वर्ग तो आ गया, तो इसकी जगह पे रख देते हैं 1/3, नीचे 1+ देखो 1/√3 का फिर से स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर 1/3 ही आएगा, तो 1/3 रख दिए। अच्छा ऊपर में अगर 2 से 1/3 का हम गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, 2 से 1/3 का गुणा करते हैं तो बनेगा 2/3, 1 + 1/3, 1 + 1/3 इसको सॉल्व करना है, बटे 1 लगा दे, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 से भाग देंगे 3 मार्ग में जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ गया, प्लस 3 से भाग दो 1 बार में गया, 1 का गुणा करो तो 1, 4/3 आया, 4/3 आ गया, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बटे 4/3। अच्छा देखो ये जो 4/3 है ना, ये नीचे नहीं रहेगा, किसी संख्या में बटे लगा हो, बटे का मतलब क्या है, अगर लिखा है a/b, a/b का मतलब क्या है, a/b का मतलब है कि हम a में b से भाग दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहां लिखा 2/3 / 4/5, इसका मतलब है कि हम 2/3 में 4/3 से भाग दे रहे हैं। अच्छा भिन्नों का जब भाग सॉल्व करते हैं तो हमको पता है कि भाग गुणा बन जाता है, तो अगर भाग को हम गुणा कर दें तो पीछे वाली संख्या बदल के उल्टा हो जाती है, हो गया ना, ये 3 3 कट गए, 2 1 2 2 2 4, क्या बचा, 1/2 बचा ना। तो यहां पर भी हमने देखो इसी को है पूरा सॉल्व कर दिया, तो हम अब चाहें देखो 2/3 ये नीचे से ऊपर जाएगा तो भागे 4/3, और जब इसी भाग को हम सॉल्व करेंगे तो गुणा बन जाएगा, ये संख्या उल्टा होके 3/4, 3 3 कट गई, 2 1 2 2 2 4, कितना बचा, 1/2, यानी कि अगर हम 2 tan² 30 / 1 + tan² 30 को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है, 1/2। समझ आया सबको, चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। अच्छा ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है यदि tan a + b = √3
और टैन ए माइनस बी बराबर 1/√3। इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग को कंफ्यूजन रहती है कि हमको यहाँ पर एक वैल्यू थीटा दिया रहता था, एक अभी के बस दिया रहता था, यहाँ पर दो दो कैसे आ गए, वो भी प्लस में, यहाँ माइनस में, ये कैसे आ गए। तो ये क्वेश्चन बता दें कि इम्पोर्टेंट भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है और बहुत छोटा क्वेश्चन भी है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना सब लोग। हमको देखो दिया है टैन ए प्लस बी बराबर √3। थोड़ा सा सोचो और ये बताओ किसकी वैल्यू √3 होती है टैन में, टैन में कितने थीटा की वैल्यू √3 है, 60 में, टैन 60 की वैल्यू होती है। तो अगर हम चाहें तो इसकी जगह पर ए प्लस बी, हम चाहें तो टैन और सॉरी √3 को हम टैन 60 लिख सकते हैं, टैन 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि टैन 60 की वैल्यू है। दोनों साइड से टैन टैन कट जाएंगे, बचेगा क्या, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको बना लेते हैं समीकरण एक, यहां तक कोई डाउट, हमको जो दिया था वही हमने नोट किया पहले और देखा कि जो लास्ट में वैल्यू दी है ये किसकी वैल्यू है, ये टैन 60 की है तो हमने उसका वैल्यू रख दिया किसकी वैल्यू है। इसके बाद टैन टैन दोनों साइड से काट दिया, कट रहे थे और वैसे नोट कर दिया। अब देखते हैं आगे दिया है हमको टैन ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है, फिर से वही करते हैं 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो टैन ए माइनस बताओ किसकी वैल्यू है, बताओ जल्दी कमेंट करके, ये है टैन 30 की वैल्यू। अच्छा टैन टैन दोनों साइड से कट जाएंगे, बचा क्या, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये बन गया समीकरण दो, ये रहा समीकरण एक, ये रहा समीकरण दो। अब यहां से तो हम आसानी से ए और बी के मान निकाल सकते हैं, चलो हम समीकरण एक और दो को जोड़ देते हैं, समीकरण एक धन दो, दोनों को जोड़ दिए, क्या बनेगा, ए धन बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30, दोनों को जोड़ रहे हैं तो ए ए जुड़ के हमारे हो जाएंगे 2a। देखो b प्लस का b माइनस का, एक प्लस में एक माइनस में तो कट के जीरो, 60 30 90 हो जाएंगे। अब दो को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो a बराबर हो जाएगा 90/2 यानी कि 45, a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई, आ गई। अब b की भी निकालना है तो b की वैल्यू निकालने के लिए चाहे समीकरण एक में एक ही वैल्यू, सॉरी समीकरण एक में चाहे रखो, चाहे समीकरण दो में वैल्यू रख दो, ये जो एक का मान आया है चाहे जिसमें रख दो। चलो हम समीकरण एक में ही रखते हैं, एक का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, ए प्लस बी बराबर 60, यह समीकरण एक, इसमें ए का मान रखना है, ए हमारा 45 है तो ए की जगह आ जाएगा 45 प्लस 20 बराबर 60। अब 45 को उधर पक्षांतर कर दो, उधर काहे में जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस में, तो बी बराबर 60 से 45 जाएगा 15, बी की वैल्यू क्या आ गई 15 और ए की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, आया समझ में सबके, आसान क्वेश्चन था ना, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सब लोग क्वेश्चन नोट कर लो और बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि टैन ए बराबर कॉट बी, हमको दिया है कि टैन ए कॉट बी के बराबर है, ठीक है, तो सिद्ध करो ए प्लस बी बराबर 90। यार कैसा क्वेश्चन है, ये दोनों बराबर है ठीक है, पर इन दोनों को 90 कैसे करें, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन क्वेश्चन घुमाया है, घूमना नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा। देखो कैसे करेंगे, हमको दिया है
टैन ए बराबर कॉट बी। अच्छा ये जो टैन है इसको कॉट में बदल सकते हैं, क्या होता है अगर हम टैन थीटा को कॉट में बदलना चाहें तो कॉट 90 माइनस थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले से हम टैन थीटा को, यानी थीटा की जगह ए है तो हम टैन ए को कॉट में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, देखो तो टैन को कॉट में बदलना है तो इसको बदलेंगे तो बन जाएगा कॉट थीटा की जगह, जब ये थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखना है, टैन को जब कॉट में करेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा कौन है, यहाँ पर थीटा था तो हमने थीटा रखा, यहाँ पर थीटा की जगह ए है तो हम ए रखेंगे बराबर कॉट बी। यहां तक समझ में आया, हमने टैन को कॉट में बदला और टैन को कॉट में बदलने का ये सूत्र को ध्यान होगा टैन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉट कॉट दोनों साइड से काम मैंने काट दे, बचा क्या 90 माइनस ए बराबर बी, एक उधर पक्षांतर कर देते हैं तो 90 बराबर बी प्लस ए जाएगा तो प्लस में 90 बराबर बी प्लस ए आ गया ना वहीं पर, इसको तो ऐसा ही क्रम में लिख दो कि ए प्लस बी बराबर 90 प्रूफ हो गया है। सर प्यार अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब लोग लाइक करते जाओ और शेयर भी करते जाओ, ठीक है।